हाय फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। जय श्री राम, जय माता दी। मैं हूं कमल वर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल पे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप आने वाली हर एक वीडियो में कुछ नया सीखते रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया पैटर्न। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर कोई पूर्वी गाने का वीडियो बनाइए, पूर्वी गानों पे कौन सा पैटर्न बजता है उसकी कोई वीडियो बनाइए, भोजपुरी गानों पे क्या बजता है, काफी कमेंट आ रहे थे। तो आज मैं ऐसा पैटर्न लेके आया हूं कि वो पैटर्न आप पूर्वी गानों पर भी बजा सकते हैं। और हमारा सरिया है, सोहर वगैरह है, बिरहा वगैरह है, इन सब पे आप बजा सकते हैं। पूर्वी गीत हमें गाना नहीं आता, लेकिन एक पूर्वी गीत है गुरही जलेबिया बिकाय पिया मिलवा में। इस गाने पे जो पैटर्न बजा है वो पैटर्न मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग इसके बोल लिख लीजिए और मैं इसके सारे बोल डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, वहां से भी आप लोग लिख लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए। और आप लोग वीडियो पर बने रहिए, देखिए वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप सीख भी पाएंगे। नया पैटर्न है, एक बार आप ठीक समझ लेंगे उसकी प्रकार से आप बजा लेंगे इसको। पहले मैं एक बार आप लोगों को बजा के सुना रहा हूँ, उसके बाद में बताऊंगा क्या इसके बोल है, क्या इसके पैटर्न है। गुरही जलेबिया बिकाया मेला में, गुरही जलेबिया बिकाया मेला में, गुरही जलेबिया बिकाया मेला में। तो कुछ इस तरह का उसमें पैटर्न बजा है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा हमें एक लगी सीखनी है इस प्रकार की। उसमें ये ज्यादा बजा है, बाकी छोटे छोटे मुखड़े वगैरह बजे हैं। तो आइए, एक मुखड़ा मैं आपको बहुत अच्छा मुखड़ा बताता हूँ जो सुनने में बजाने में भी काफी अच्छा है। एक नया मुखड़ा आप लोग सीखेगा और ये लगी सीखी जो उसमें बज रहा है, तो ये वही लगी है जो गुरही जलेबिया बिकाय पिया मिलवा में जो बजी है, वही है ये। अब मुखड़ा नया सिखाते हैं आपको, वो मुखड़ा क्या है आप लोग सुनिएगा एक बार। तो आइए पहले हम मुखड़ा सीखते हैं, इसके क्या बोल हैं। पहले हम चार बार बजाएंगे, ताक 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 ताक। कैसे बजेगा? ता फर्स्ट फिंगर से चाटी पे किनार पे हम फर्स्ट फिंगर से, और इस फिंगर के साथ में बायां पट मारेंगे दोनों को साथ साथ में, तो ता बीच में ये रहेगा ता, इधर चाटी पे ता। उसके बाद में का हमें अलग से लगाना है, का यानी ता पे साथ साथ फिर का अलग से। कैसे? तक तक तक, इसी को हम चार बार बजाना हमें है, तक 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 बजाते हैं, तक 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 चार बार, ताक 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 ताक। एक बार फिर से देख लीजिए, ताक 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 ताक, थोड़ा लय में बजाते हैं, अच्छा भी लग रहा है। ये है नया फिलर। पहले तो हो गया ताक 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 ताक, उसके बाद में दूसरा हमारा पैटर्न है, धिंत कता का ताकत कत क, इसका ये बोल है पूरा, धिंत कता का ताक कत कत, धिंत कता का ताक
पे हमें एंड कर देना है। दिन तक 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 सॉरी दिन तक 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 ये है। तो आइए एक एक बोल सीखते हैं। पहले खुला हम बजाएंगे दिन, ये दिन कुछ कठिन नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आराम से बोल समझिए, आराम से सीखिए, आप लोग अच्छा बजा पाएंगे। पहले दिन, उसके बाद में फर्स्ट फिंगर से चाटी के किनारे पे ता। दिन तक दिन तक दिन तक ता दिन तक ता तक दिन तक तक ता तक 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 दिन तक 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 तक। इसके बोल मैं वीडियो के नीचे लिख दूंगा, आप लोग बोलों को देखकर उसका रियाज करेंगे। दिन त का आप जानते हैं कि ता और का कहां कैसे बसता है। ता हमारा चाटी पे रहेगा और का हमारा बीच में पट रहेगा और दिन वो ऊपर। दिन त का इसमें सब अलग अलग बजाने हैं, साथ में नहीं है, इसमें अलग अलग है। देखो दिन त ताकत कतक का पे हमें इन करना है, का के बाद ता नहीं लगाना है। दिन तक 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 दिन तक 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 ये है। दिन इधर देख लीजिए, केवल हमें एक ही फिंगर यूज करनी है, वो भी फर्स्ट, बाकी उधर बायां बट ज्यादा लग जाएगा। दिन थोड़ा इसको लय में बजाते हैं। थोड़ा और लय बढ़ाते हैं, ये हो गया। आइए दोनों पैटर्नों को मिला के बजाते हैं शुरुआत से। ये हो गया, उसके बाद में जो हमारी लग्गी बजती है इसके क्या बोल हैं? आइए, इसका बोल है धाधा तिना धिन। ज्यादा कुछ और नहीं है, धाधा दो बार, धाधा तिना और धिन, बस धाधा हमें दो बार खुला बजाना है। बाएं के साथ हम धा बजाते हैं, धाधा धाधा फर्स्ट फिंगर से खुला धाधा, इधर देख लीजिए धाधा और इधर धाधा। उसके बाद में है तिना, तो ती हमारा दो फिंगर से बजेगा ऊपर यहाँ किनार पे, तो धाधा ती, इस ती के साथ में बाया हमें साथ में लगाना है बट बीच में। तो कैसे, उधर हमारा ती दो फिंगर से बजेगा धाधा ती धाधा ती धाधा ती। उसके बाद में है ना, ना हमारा फर्स्ट फिंगर से चाटी पे आएगा धाधा ती ना। उसके बाद में बचा हमारा धिन, तो धिन जैसे हम धा बजाते हैं वैसे धिन बजाएंगे, खुला धी और ना ये रहेगा। इतना ही पैटर्न है, इतना ही पैटर्न बजा है, ये ज्यादा पैटर्न उसमें यूज हुआ है। धाधा तिना धिन धाधा तिना धिन धाधा तिना धिन धाधा तिना धिन गुड़ ही जलेबिया भी काय पिया मिलवा में, इसमें ये ज्यादा इसका यूज हुआ है।
बाकी उसमें छोटे छोटे मुखड़े बजे हैं वो तो आप अपने मन से कुछ भी बजा सकते हैं, लेकिन मेन ये बजा है। तो एक बार फिर से देखिए, धा बजाना है, उसके बाद में ती, ती में साथ साथ ती और ना खाली, धा ती ना, उसके बाद में है धिन, धिन धा और ना, जैसे हम धा बजाते हैं उसे दे जाएंगे धी और ना, धा धिना धिन, यही हमें बार बार बजाना है। आइए बजाते हैं धीरे धीरे। गाने पे कैसे हम बजाएंगे, आइए, हमें गाना नहीं आता है लेकिन पूर्वी गाना हम गा नहीं पाते हैं, मुझे गाना नहीं आता लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा गा के बता रहा हूं। इसमें कैसे हम मुखड़े को लगाएंगे जो भी पहले बताए थे, कैसे इस लगी को बजाएंगे। चलिए, गुरही जलेबिया पिताई पिया मेलवा में, हम कुछ भी बजा सकते हैं। थोड़ा आप अपना भी दिमाग लगाएं कि इसमें हम और अपने पास से अलग से हम क्या क्या इसमें लगा सकते हैं, क्या क्या बजा सकते हैं। थोड़ा दिमाग हमारा लीजिए, थोड़ा अपना लगाइए दिमाग, तब आप अच्छा बजा पाएंगे, अच्छा सीख पाएंगे कि हम इसमें कहाँ पे कितने फिलर कितने टुकड़े क्या क्या बजा सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ बजा के दिखा रहा हूँ कि इसमें हम क्या क्या अलग अपना बजा सकते हैं। सब कुछ नकल करना ही नहीं होता है, कुछ अपना अलग बजाना होता है, अपना टैलेंट दिखाना होता है, अपना दिमाग होता है। सब कुछ नकल करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आइए इसमें क्या क्या हम बजा सकते हैं वो आपको दिखाते हैं। गुरही जलेबिया बिताई पिया मेलवा में, जितना हम इसको अच्छा बजाएंगे अच्छा लगेगा। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा। तो ये पैटर्न है, आप लोग इसका रियाज कीजिए, एक एक बोल का अभ्यास कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको किस गाने का पैटर्न चाहिए, क्या चाहिए, आप हमें बताइएगा। मैं आपको इस पैटर्न जो आप कहेंगे उसके पैटर्न आपको बताता रहूंगा, देता रहूंगा। लेकिन निवेदन है मेरा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।